अगर प्रदेश में मौसम की बात की जाए तो मानसून के आने वाले दिनों में मिजाज कैसा रहेगा, कब तक ये मानसून का दौर जारी रहने वाला है, गत 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कहाँ कहाँ और कितनी बारिश रिकॉर्ड की? देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में सिवाय लाहौल स्पीति और किन्नौर के जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ SMM और राजगढ़ से मानसून एक्टिविटी फिर से एक्टिव होगी, और इसके चलते 3 तारीख से जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो बहुत से स्थानों में होने की संभावना है, और फिर 3 और 4 तारीख को ना रहेगी, और ये जो 6 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है अभी। जुलाई माह की बात करें तो कौन से जिला में सबसे अधिक वर्षा हुई और कौन से जिला में सबसे कम बारिश? देखिए, अगर जुलाई माह के वर्षा के आंकड़ों की बात करें तो अभी देखिए 434 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है अगेंस्ट नॉर्मल ऑफ 247 mm, जो कि सामान्य से 76% अधिक है। और जो सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई जुलाई माह में वो किन्नौर में रिकॉर्ड की गई थी, जो जहाँ की सामान्य से 200% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। और जो सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 15% अधिक है अब तक। और अगर पूरे मानसून सीजन की बात करें, देखिए अभी पूरे मानसून सीजन पूरे प्रदेश में सामान्य से अराउंड 60% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसमें अगर बात करें देखिए सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू और किन्नौर है जहाँ सामान्य से तकरीबन 100% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। और जो सबसे कम है वो लाहौल स्पीति में, जहाँ की सामान्य से 2% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है पूरे सीजन में। सर, वहीं पर जिस तरह से आपने कहा कि कांगड़ा में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन वहाँ के आंकड़े भी सामान्य से अधिक रहे हैं, तो ऐसा कभी पहले भी हुआ है कि सबसे कम बारिश हुई है और जो आंकड़े रहे हैं वो सामान्य से अधिक रहे? देखिए, जुलाई माह की अगर बात करें तो पिछले जो 10 ईयर्स का डाटा कंपेयर करें तो इस वर्ष अभी मतलब सबसे अधिक जुलाई में बारिश रिकॉर्ड की गई है, और जैसे कि जो इवन कांगड़ा की वो भी सामान्य से अधिक है। अगर कहने की बात करें तो जितने मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है जुलाई माह में, और पूरे मानसून सीजन में भी मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट सामान्य है सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट शिमला है, सिरमौर है, सोलन, वहाँ मतलब अराउंड 120% अधिक बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है पूरे सीजन में, और कुल्लू किन्नौर में भी मतलब 100% से अधिक बार ऑलमोस्ट डबल बारिश रिकॉर्ड की गई इन डिस्ट्रिक्ट्स में। सर, वहीं पर बात कीजिए, 3 तारीख से आपने फिर से यहाँ पे कहा कि मौसम खराब रहने की संभावना है, तो मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा कोई अलर्ट भी जारी किया गया है कि जिस तरह से फ्लैश फ्लड को और मौसम को लेकर? देखिए, जैसे कि आज 31 तारीख को, 1 तारीख को तो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है, फिर 2 तारीख से ये एक्टिविटी पिकअप करेगी, और फिर कुछ एक मतलब अधिकतर स्थानों में बारिश होने की संभावना है 2 तारीख से। और जो अलर्ट जारी किया है वो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, वो देखिए 3 और 4 तारीख को जो हमारे प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे बिलासपुर है, सोलन है, शिमला है, फिर जो मिडिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा, चंबा, मंडी, सिरमौर, तो यहाँ पे कुछ एक स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना है। और देखिए, क्योंकि ये जो एक्टिविटी जो 3 तारीख से पिकअप करेगी पूरे प्रदेश में, ये 6 तारीख तक जारी रहने की संभावना है, और इस कंटिन्यूस ये जो वर्षा दौर जारी रहने की संभावना है 3 से 6 तारीख, तो इसमें देखिए जहाँ जहाँ वल्नरेबल एरियाज हैं वहाँ लैंडस्लाइड होने की संभावना भी है, और कुछ एक क्षेत्र में फ्लैश फ्लड भी होने की संभावना बनी रहेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।